ये भी आम है? हाँ। अबे ये सारे आम है? हाँ। मरचूला से 10 किलोमीटर आगे हिल टॉप, लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू गाइस। ये देखो भाई साहब सबसे मजेदार चीज, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी का मंदिर, संकट मोचन। करीबन 21 साल पहले ना यहाँ से एक बारात जा रही थी बस में, इस जगह पे आके मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ। मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है वो एकदम शीतल हो चुकी है और मेरा मन कर रहा है कि मैं जोर से चिल्लाऊं। तो सनसेट हो रहा है, देख रहे हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। जूम इन करता हूँ मैं, अब यहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे हैं छोटी नदी की तरफ। देखिए दो, दो कितने मुश्किलों के साथ चल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हिल टॉप, जो अपना होम स्टे है, इससे इसे रोड पे आए थे ना, मेन रोड पे, तो और ऊपर ये तारनीला टाइगर से आगे कुकी विलेज की तरफ जाओगे आप तो 10 किलोमीटर आगे जाके एक पॉइंट आता है हनुमान जी का मंदिर। वहाँ पे ना एक ऐसे बैंड सा है, ऐसे वही एक पॉइंट है, वहाँ पे ना एक पूरी वैली दिखती है बड़ी अच्छी सी। तो हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, देखते हैं अगर मिल गया तो। थोड़ा वेदर का भी फर्क है, चढ़ाई है, आप देखो ये आम का, पता नहीं मुझे पहचान नहीं आम के पेड़ की। ये भी आम का पेड़ है? हाँ। आम दिख रहे हैं कहीं वो? इस सीजन में कहाँ। ये भी आम है? हाँ। अबे ये सारे आम है? हाँ। भाई किसी का बाग बुक तो नहीं है ये? क्या पता सरकार ने लगा रखा है। रास्ते राह चलते भूख लगे तो कहीं भी रोको आम तोड़ के खा लो, या बंदरों के लिए जंगली जानवर क्या करेंगे आम तोड़ के खा लेंगे। तेंदुए को भूख लग रही है, गाय नहीं मिली तो ले भैया आम ही खा लेंगे। चौसा चौसा आम, लाइन से आम का पेड़, ये सारे आम है। हाँ। सही है यार, ये सारा उगाए गए तो स्ट्रेटेजिकली एकदम बाउंड्री में साइड साइड में लाइन से 10 किलोमीटर भी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ी जा रही है, चढ़ी जा रही है। बादल के ऊपर आ गए, बादल के ऊपर आ गए, राम राम भाइयों। अभी हम ना 4:30 बजे करीब अपना होम स्टे से निकले थे और हम निकले वहाँ से ऊपर की तरफ, मनीला की तरफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ऊपर जाके ना आपको ये दिखता है, देख रहे हो हिल टॉप, यहाँ से वैली बहुत सुंदर लगती है और सामने जो है हनुमान जी का मंदिर है वो रहा। और ये देखो यहाँ से वैली, यहाँ पे ना वेदर का भी डिफरेंस है। जैसे मरचूला में तो दिल्ली जैसा ही वेदर था, बस ये है कि पॉल्यूशन लेस है, ग्रीनरी है, ठीक है, और पानी में नहाओ तो ठंडा लगता है। लेकिन यहाँ पे तो वेदर में फ़र्क है, देखो आप पहाड़ों के थोड़ा ऊपर से, पता नहीं ये फॉग है क्या है, ये फॉगी फॉगी सा हो रहा है कुछ, है ना। ये देखो भाई साहब ये ऊपर की तरफ मनीला निकल जाता है, गाड़ी ट्रक ट्रुक आ रहे हैं, भाई रील बन रही है वहाँ से। देखो भाई बोलेरो में यूका राइडर गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी और वहाँ बन रहा टाइम लैप्स। देखो भाई यहाँ पे ना बड़े अलग तरह के फूल हैं, ये देख रहे हो क्या सही लग रहा है, देखो यार, है ना, कैसे से फूल है, छोटे छोटे बहुत सारे और बीच में भी वो, उनमें भी आएंगे ऐसे लग रहा है। और ये तुम सुपर ग्रीन और सुपर कटे हुए पत्ते, इसमें देखो ये फ्रूट है, देख रहे हो ये फ्रूट है, ये हाँ पक जाता है ना, काला हो जाता है और मीठा मीठा होता है। अच्छा थोड़ा फोकस में नहीं आ रहा है, अब आया तो देख लो भाई हम पहाड़ों में स्ट्रॉलिंग हिल टॉप पे। थोड़ा सा अब शाम थी तो क्या करते, घूमने आ गए, बट अच्छा है यहाँ पे आए ना, वेदर में काफ़ी काफ़ी क्या मतलब थोड़ी सी प्लेजेंट सी हवा चल रही है। ये देखो भाई साहब सबसे मजेदार चीज़, जय श्री राम,
जय श्री राम। ये है हनुमान जी का मंदिर। जय बजरंग बली। ये मंदिर की एक स्टोरी है। करीबन 20-21 साल पहले ना, यहाँ से एक बारात जा रही थी बस में, वो खाई में गिर गई थी और सारे लोग मर गए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मंदिर बनाया गया, ये हनुमान जी का मंदिर संकट मोचन। ये देखो यार क्या लग रहा है इस टाइम, ब्यूटीफुल। मरचूला से 10 किलोमीटर आगे हिल टॉप। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू गाइस। इस जगह पे आके मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ। मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है वो एकदम शीतल हो चुकी है और मेरा मन कर रहा है कि मैं जोर से चिल्लाऊं। Now that you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. दोस्तों सनसेट हो रहा है, देख रहे हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। जूम इन करता हूँ मैं इसमें, देखो भाई देखो लाल लाल दिख रहा है एकदम, सोलर एक्लिप्स। ये देखो यार सन, सूरज डूब रहा है बादलों के पीछे। और देखिए क्या ही मनमोहक दृश्यम चल रही है थर्ड पार्ट। और गाइस सूरज डूब चुका है और जैसा कि देख रहे हैं दुनिया का अंत नजदीक, बहुत नजदीक है, इतना नजदीक भी नहीं है। तुमको देखने की कोशिश कर रही है ऐसा ऐसा करके। अरे ठीक भी आ गई। राम राम भाई बहनों, गाड़ी हमने खड़ी कर दी यहाँ पे तारिणी कॉर्बेट में जहाँ मैं लास्ट टाइम रुका था। अब यहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे हैं छोटी नदी की तरफ। देख लो टाइम हो रहा है 10:45 के करीब हो रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हम। बट ये कि आज हमें वापस जाना ही है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटी नदी में जाएंगे, थोड़ी देर नहाएंगे और फिर अपना वापस आके पैक करके दिल्ली के लिए, मतलब गुड़गांव के लिए वापसी। ये पिछली बार वाली संटी, इसने संटी संभाल के रखी पूरी एक साल के, अगले साल मैं इस्तेमाल करूंगी संटी को। बुढ़ापे की लाठी है तुम्हारी, है बुढ़ापे तक लेके जाओगी तुम इसे। ये संटी का बहुत इस्तेमाल है। इसे संटी पता क्यों ली थी, तेंदुआ आ जाए तो सीधा ऐसे हो जाए तेंदुए की। ये पिट्ठू सवारी, वैष्णो देवी की यात्रा में पिट्ठू सवारी लेके जाते हुए, और ये बच्चे को लेकर, बच्चा एकदम स्लीप स्लैप्ड अवे। मैं पहले जाऊं क्या, आवाज करते करते? चलो आगे चलो। क्यों
तुम्हें देख के हमारे तो ध्यान ही देगा भाई, मेरे को तो मिल गया हफ्ते भर का जुगाड़। क्यों यहाँ आवाज करके जाना होता है? ओ भालू। हाँ ये वाले रास्ते आप लोगों ने लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था ना। हाँ बच्चे को अच्छे से पकड़ के रखना। सुरेश को दिखा दो भाई, सुरेश असली ट्रैकर दिखाओ बच्चे को। इज द विलन, नहीं सॉरी इज द मैन। ये देखो भाई सुरेश को बच्चे को लेकर ट्रैक कर रहा भाई साहब, डेयर डेविल। लोग साले खुद नहीं चल पाते, सुरेश देखो बच्चे को गोद में लेके चल रहा भाई साहब। देखो देख रही है, देख रही है। देख रही है। देख रही है। सुरेश मेरे पीछे पीछे रहेगा, अगर कुछ होगा तो मेरी बुद्धि पकड़ लेगा। झूमर गडरिया देखिए दो, दो कितने मुश्किलों के साथ चल रहे हैं ट्रैकिंग पे दो जने। लो भाई नदी का किनारा आ गया, बस पहुंच ही गए। और ये बच्चे लोग पहले से ही हैं ओके, बट अच्छी बात है हमारे पॉइंट पे नहीं है, हम अपने पॉइंट पे चलेंगे। नहा रहे हैं भाई, नहा रहे हैं। ओ रिच पीपल एंजॉयिंग इन द रेन, ओ एंजॉयिंग द वाटर।